मिड डे मील या मौत डे मील। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में मिलने वाला मिड डे मील छपरा के मशरक में मंगलवार को जहर साबित हुआ। मिड डे मील खाने के कारण करीब 11 बच्चे अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। तकरीबन 80 से ज्यादा बच्चे सदर अस्पताल में भर्ती हैं। इन बीमार बच्चों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। छपरा बिहार का सेंट्रल पार्ट है। इस घटना के बाद बिहार सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और बीमार बच्चों को मुफ्त इलाज की घोषणा की है। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले से सीधा इस्तीफा मांगा है। सवाल उठता है कि मिड डे मील की यह खतरनाक कहानी कब थमेगी। इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें आती रही हैं। इस दर्दनाक घटना पर आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, तो चलिए देखते हैं मिड डे मील या मौत डे मील। तो तमाम दर्शकों से हम अपील करेंगे कि आप अपनी राय रखें कि इस तरह जो मिड डे मील गरीब बच्चों को दिया जा रहा है, ये क्या वाकई में उनका पोषण कर रहा है या उन्हें मौत की नींद सुला रहा है। आप फोन करें और अपनी राय जरूर रखें ये एक घंटे के प्रोग्राम आपकी आवाज में। हम एक बार फिर तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि मिड डे मील के इतिहास में आज तक का काला अध्याय आज की तारीख में जुड़ गया। खासकर बिहार की सबसे बड़ी घटना है। छपरा के मशरक में धर्मासती नव सृजित प्राथमिक स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाने से 11 बच्चों की मौत हो गई है। करीब 50 बच्चे बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके पहले मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार होते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बच्चे मौत के शिकार हुए। जरा ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और अभी तक 11 बच्चे मौत के शिकार हो गए हैं। ये मशरक की यह घटना है। धर्मासती वहां पे प्राथमिक विद्यालय है जहां पर मिड डे मील बच्चों को दिया जा रहा था और उस दौरान कहा गया कि इस मिड डे मील के खाने से बच्चे बीमार हुए, उल्टियां हुई, दस्त हुई, पेट में दर्द हुआ और आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ता चला गया और अभी तक 11 बच्चे मौत के शिकार हो चुके हैं। सरकार के तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। जांच कमेटी की भी बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जो बच्चे गंभीर रूप से जो बच्चे बीमार हैं अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज भी होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार कब चेतेगी, क्या और बच्चे की मौत का इंतजार कर रही है। यह सिर्फ बिहार की घटना नहीं, ये ताजा मामला हम छपरा की दिखा रहे हैं। लेकिन इस मिड डे मील के शिकार एक नहीं कई बच्चे हुए। देश के हर हिस्से में इस तरह की खबरें आती रही है और ये फिलहाल जो मामला है वो छपरा का है और सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और इस मसले पर आपकी आवाज में आप अपनी राय रख सकते हैं कि ये मिड डे मील है या मौत डे मील है। और इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी स्टूडियो में हैं। बच्चे के क्या लगे नहीं? उनका नाम क्या बटे? कैसे बने बटे? भाई लगे भात आशा जी अदाल खाले। कहाँ पे? धर्मासती स्कूल में। स्कूल में? कौन स्कूल में? धर्मासती लड़का आये लगत द्वार पर, लड़का के हालत खराब लगत, हम लेके भागल। का होत रहल? उल्टी तनी मन भइल, पेट बसत। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छपरा से हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, फिलहाल ताजा जानकारी क्या मिल रही है? जी देखिए, अभी जो है यहाँ पूरा जो माहौल है, पूरा यहाँ के परिजन जो एक तरह से समझ लीजिए मातम का माहौल हो गया है। पूरे इनके परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे की मृत्यु हो गई है मिड डे मील में खाने से। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि पूरा स्थिति जो जो यहाँ का माहौल है पूरे कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है तो कहीं रुंदन कुंदन दिख रहा है। यहाँ पे जो जिले के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंच गए हैं। घटनास्थल सदर अस्पताल जो है जहाँ पे बच्चों को लाया गया है यहाँ पहुंच गए हैं। प्रभुनाथ सिंह जो स्थानीय सांसद जो हैं आरजेडी के, वो पहुंच गए हैं। वो मशरक से ही वो पूरे जो बच्चे जितने भी बीमार बच्चे थे उनको एक सिटी राइड में लाकर सभी बीमार बच्चों को यहाँ पे ला करके उनका इलाज करवाने का काम कर रहे हैं। जी
चलिए इलाज करवाने का। और खबर अभी आ रही है कि 11 बच्चे मौत के शिकार हो गए हैं। सरकार यहां से पटना से ऐलान कर की है, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान की है। फिलहाल जो तकरीबन 80 बच्चे बताए जा रहे हैं कि सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति है? देखिए कुछ की तो हालत थोड़ी सी में हाथ में सुधार आई है, लेकिन काफी बच्चे अभी भी हैं जो जिनकी जो स्थिति है काफी गंभीर बनी हुई है, नाजुक स्थिति है। जी देवेंद्र, कहा यह गया कि जब बच्चे ये दाल भात और सब्जी जब खाए उसके बाद उनके पेट में मरोड़ा हुआ, दर्द हुआ, उल्टी होने लगी, उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। जी देखिए वहाँ पर जो सूचना जो अभी तो जिलाधिकारी ने इस विषय में कुछ भी बोलने में असमर्थता जाहिर की है, लेकिन जो वहाँ से जो खबरें छन के जो घटना खबरें जो छन के आ रही है वहाँ ये बताया जा रहा है कि आज खिचड़ी बना हुआ था। हालांकि डीएम जो बता रहे हैं कि ये चावल दाल और सब्जी बना हुआ था, तो ये जो मेनू के हिसाब से है वो उनका कहना है कि ये मेनू के हिसाब से आज का दिन जो बनता है वो है, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय लोग जो बता रहे थे तो उनका कहना है कि वहाँ से खिचड़ी बनी हुई थी और उसको खा करके बच्चे उल्टी होने लगी और पेट में दर्द हो गया और काफी स्थिति खराब होने लगी। और वहाँ पे जब स्थिति खराब हुई तो वहाँ के स्थानीय लोग और स्कूल प्रशासन आनंद थानन में उसको स्थानीय अस्पताल जो मतरक है वहाँ पे ले गए और कुछ के गार्जियन पहुंचे और आनंद थानन में सभी अपने बच्चे को जिधर तिधर प्राइवेट अस्पतालों में भी गए। इसलिए अभी मौत जो है 8 ही जो आंख जो दिखाई दे रहे हैं और जो प्रशासन के नजर में है 8 दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अधिक भी हो, इस जो ये काफी जो प्राइवेट नर्सिंग होम में भी गए हैं वहाँ की पता नहीं चल पाई है कि अभी तक कितना है, लेकिन पुष्ट जो खबर है 8 बच्चों की मौत हुई हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। हम आपसे फिर आपसे संपर्क करेंगे और ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस मसले पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। जी आप कहां से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताएं। चलिए फिलहाल संपर्क लगता है टूट गया है और हमारे साथ स्टूडियो में इस मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हैं। जरा उनसे हम आपका परिचय करा दें, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि यह वाकई में मिड डे मील है या मौत डे मील है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी के वरिष्ठ लीडर हैं हमारे साथ रामानुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं बीजेपी के वरिष्ठ लीडर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये तीनों तस्वीर, जो तस्वीर है आप तीनों आदमी देख रहे हैं, काफ़ी दुखद दर्दनाक घटना है। विनोद शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे ये प्लान आप लोगों ने लाया था, आखिर इस प्लान को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई कि इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन लगातार सुनने को मिल रही है। हर सप्ताह कहीं ना कहीं, ये छपरा हो या झारखंड हो या बंगाल हो महाराष्ट्र हो, कहीं नहीं हर जगह देखने को मिल रही है। देखिए आज यह जो दृश्य दिख रहा है निश्चित रूप से हृदय विदारक है और इसके लिए जितना भी अफसोस जाहिर किया जाए वो कम है। और निश्चित रूप से UPA सरकार ने ये योजना लाई थी उन बच्चों के लिए जो दिन में खाना घर नहीं खाने जा पाते थे, दिन दिन भर क्लास करते थे और दिन भर भूखे रह जाते थे, उनके लिए निश्चित रूप से योजना बहुत अच्छी थी और शुरुआत में इसका लोगों ने लाभ लिया बच्चों ने। लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थितियां बनती गई कि स्थानीय लापरवाही के कारण राज्य सरकार हो चाहे जिला स्तर पर हो चाहे स्कूल स्तर पर लापरवाही बढ़ती गई और जिसके कारण कभी छिपकली मिलता है इस मिल में, कभी किस तरह के कभी कॉकरोच मिलता है, मिलते हैं और गंदगी मिलती है। विनोद जी मैं आपको जरा रोकूंगा, एक कॉलर है सासाराम से, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी आपका आर्यन न्यूज में स्वागत है। जी अपनी राय रखें आप। जी जी मैं कहना चाहूंगा सर कि ये मिड डे मील योजना जो है जी जी सरकार की सबसे ऐसी गलत योजना है जो मौत के शिकार में बना रही है बच्चों को जी। और इस योजना को तत्काल बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये शिक्षा के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक है। अगर उत्तरदायित्व के साथ मुख्यमंत्री जी और सरकार इस योजना को नहीं चलाती है और चलाने में सक्षम नहीं है तो इस सरकार को यह अधिकार नहीं है सर कि बच्चों के भविष्य के साथ मजाक करे, जी खिलवाड़ करे। वही बच्चे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं कल, लेकिन जो मारे गए तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शक भी आप अपनी राय रख सकते हैं, आप फोन करें और हम बताएं कि क्या स्थिति है, क्या वाकई में ये
मिड डे मील लोगों को जिंदगी दे रहा है या मौत दे रहा है? रामानुज जी, ये जिंदगी दे रहा है या मौत दे रहा है? 11 बच्चे देखते ही देखते हमारे बीच से उठ गए। अभी तकरीबन 80 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये किस तरह की जिंदगी दी जा रही है सरकार के द्वारा? देखिए, ये जिंदगी तो नहीं दी जा रही है, ये तो अभी तो मौत ही है। संवेदना व्यक्त करने का, दुख व्यक्त करने का घड़ी है। हम तमाम बिहार के लोग, और खास करके मैं तो उसी जिले से आता हूँ, उसी जिले से विधायक रहा हूँ मैं, हमारा क्षेत्र उसी जिले में है, बगल का हमारा ये है, तो काफी दुखी और मर्माहत हम लोग हैं। इस पर संवेदना और दुख व्यक्त करने के साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि ये समीक्षा का विषय है। लापरवाही का तो इंतहा हो गया। जो नौकरशाही और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लापरवाही व्याप्त है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी की जो आलम है आज के दिनों में, जब तक सरकारी नौकरी बिहार के या देश के अन्य के लोगों को नहीं मिली रहती है, लोग बेचैन रहते हैं। और सरकारी नौकरी जब हो गई तो उसके बाद लगता है कि प्रोडक्टिविटी का कहीं कोई ख्याल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं ये नहीं, अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं। इसी का परिणाम है कि साहब ये कोई महीना बाकी नहीं होगा कि किसी जिले का, आज नवादा है, कल समस्तीपुर है, तक ये आज से 15 दिन पहले ही समस्तीपुर की भी घटना थी, कहीं छिपल्ले या कॉकरोच का ये है, कहीं बच्चे बीमार, यहाँ इतहा हो गया कि बच्चे मर गए और मर रहे हैं। ऐसे 8 की मरने की खबर है, किसी चैनल पर 11 की बात आ रही है, और 70 से 80 बच्चे जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है। सरकार 2-2 लाख रुपये की मुआवजा करके अपने जिम्मेवारी की इतिश्री समझ रही है। मैं मांग करता हूं आपके चैनल से कि ये इसकी नैतिक जिम्मेवारी सरकार ले, और जो दोषी है पदाधिकारी, खानापूर्ति नहीं हो कि DIG हम पढ़ रहे हैं आपके आने के पहले इस पर इंक्वायरी करके आए तो हुआ सरकार ने इंक्वायरी सेटअप कर दिया, DIG जांच करेंगे, तो ये जांच जो होते रहा है सरकार के रिजिम और जो हो रहा है सो हम लोग देख रहे हैं। ये कमीशन कमीशन ये कमीशन ही है, चूंकि ये मामला ही कमीशन का है। देखिए, हम बताएं, हमारे क्षेत्र में एक जगह तो मिड डे मील और शिक्षा समिति, इसके जो प्रावधान हैं, विनोद जी कहें ना कहें, लेकिन आज देश में सच्चाई ये है, हम नहीं कहते कि हम सरकार के पार्ट रहे हैं, PMA किसी में है, ज़्यादातर योजनाएं जो हम आज ला रहे हैं इस बात का ख्याल कि लाभार्थी जिसके लिए हम बात करते हैं उसको लाभ पहुंचने से ज़्यादा हम अपने वोट के लाभ की बात करें। जी जी, और ये योजना इसके लिए नहीं था कि बच्चे जो आ रहे हैं, ये इसी योजना बड़ी महती योजना मानी गई जब ये बात आई कि साहब बच्चों को स्कूल से जोड़ना है, जो ड्रॉप आउट होते थे, जो बच्चे छूट जाते थे, जो स्कूल नहीं जाते थे, वैसे बच्चों को जोड़ना इस योजना का महती उद्देश्य था कि साहब गरीब गुरबे के लोग जाएं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इससे बच्चे मर भी रहे और शिक्षा चौपट हो गया, शिक्षा चौपट हो गया, स्लेट के बच्चे बदले बच्चे सिर्फ प्लेट लेके स्कूल में जा रहे हैं। और इन परिस्थितियों में मैं ये मांग करता हूँ कि साहब ये समीक्षा की विषय वस्तु, जैसे आज जयराम रमेश जी आए और इसी बिहार में आज कह गए कि मनरेगा का उद्देश्य हो गया है बोलेरो, पजेरो, स्कॉर्पियो। जरा रामानुज जी, हम आपको रोकेंगे, एक दर्शक है हमारे साथ बाढ़ से, सुरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार जी, आप अपनी राय रखें। हेलो जी जी, सुरेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय रखें। जरा देखिए, छपरा की ये घटना घटी है, 11 बच्चे मौत के शिकार हो गए हैं, ये किस तरह की योजना चल रही है देश में? पूरे बिहार में अफसरशाही हो गया है। सब शुरू में मधुबनी हो, मधुबनी में जी 40 बच्चा बीमार पड़ जाता है जी, बिहार शरीफ में 70 बच्चा पड़ता है, सुपौल में बीमार पड़ता है, एक जगह की घटना नहीं है जी, ये घटना पूरे बिहार में बच्चा को बीमार होना, मर जाना, और सरकार को ये कोई बात फनल बराबर बात है कि हम मुआवजा दे देंगे जी, चाहे वो दिमागी बुखार से बच्चा मरता हो, ये सरकार नीचे की भविष्य, जो हमारा भविष्य है, उस पर कहीं पर ध्यान नहीं देती। एक स्कूल में ऐसी घटना घटा था, सरकार मुस्तैदी से काम करता तो दूसरे स्कूल में ऐसा घटना नहीं घटता, नहीं घटता, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और हमारे साथ उपेंद्र जी पटना से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, आप अपनी राय रखें। हमारा कहना यही है सर जी कि ये जो भी ये सरकार का जो ये स्कीम वगैरह ये सब है, ये मध्यम वर्गीय और गरीब जनता की भलाई के लिए नहीं है जी, ये इन लोग को हर तरह से मानसिक, एजुकेशनली
और अंत में शारीरिक रूप से मौत देने का एक सुनियोजित तरीका है। जब इतना ही इसकी मंशा किसी भी सरकार को, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार की मंशा साफ है जी। तो ये बच्चे को ये देखने नहीं जाते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई होती है कि नहीं, वहाँ ठीक से खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, और खाना ही जब देना है तो उनके गार्जियन को पैसा दे दे, वो स्कूल में इंक्वायरी करे कि जिनका जिनका नाम है, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वो आते हैं कि नहीं आते हैं, जो आते हैं उन्हीं को पैसा देगा। इस तरह से सिस्टम चलता है, ये इस तरह से खुला रूप से ये गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को जो है कि मारने का ये तरीका है। और इसके माध्यम से एक मिनट पूरा बात सुनिए, तो जब विचार लेते हैं तो पूरा बात सुनिए, अन्यथा मत लिया कीजिए जो है कि नहीं। उपेंद्र जी, आप अपनी राय रखें, अपनी राय रखें आप। उसके बाद सर देखिए, इस पर तो खुल्लम खुल्ला इस तरह के थोड़ा भी शर्म हया यहाँ के मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो इन जितने तमाम बच्चे इनके गार्जियन को मिलके इस विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री तक पर FIR मुकदमा करना चाहिए। चलिए उपेंद्र जी, दर्शक और भी हैं, और भी कॉलर हैं, उनकी भी जरा राय लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। डॉक्टर अनिल साहब क्या कहेंगे, ये जनता पूरी तरह से भड़की हुई है, कह रही है किसी भी दृष्टिकोण से ये योजना सही नहीं है, ये किसी की जिंदगी नहीं दे रही है बल्कि मौत बांट रही है। जनता अभी सेंटीमेंट में है, बच्चे की मौत हो गई है, ये बात बहुत ही दुखद है। लेकिन अभी विनोद जी ने जिस तरह से कहा था, इन्होंने कहा था कि ये केंद्र सरकार की योजना है, यह योजना अच्छे के लिए, अच्छे काम के लिए किया गया था। और कोई भी सरकार जब योजना बनाती है तो वो अच्छे कर्म के लिए बनाती है, अच्छाई, जनता के अच्छाई के लिए बनाती है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से अभी कहना चाहता हूं कि जो भी योजना बनाई जाती है, सच्चाई ये है कि योजना बना दी जाती है, योजना का कार्यान्वयन कैसे हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इसकी योजना नहीं बनती है। यदि आप मिड डे मील की बात करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, गरीब बच्चों को आप मिड डे मील देते हैं और जब उनको खाना देने की बात कर देंगे तो उनको पढ़ाई में मन लगेगा, उनके गार्जियन भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन आपने मिड डे मील की व्यवस्था की, लेकिन उस मिड डे मील को बनाने का और उस स्कूल में बच्चों के खाने की व्यवस्था किस तरह से हो, बनाने की व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी हो, इसकी व्यवस्था आपने नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं खड़ा किया, बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाए इसकी व्यवस्था आपने नहीं की, सिर्फ योजना बना दी। और स्थिति ये हुई कि जब आप स्कूल में जाएंगे और बच्चों का खाना बनते हुए देखेंगे जी, तो आपको लगेगा कि ये खाना बच्चे कैसे खाएंगे, और उसी का नतीजा ये सब दिखता है कि कभी बच्चों में फूड प्वाइजनिंग हो जाती है और उससे मौत हो जाता है। तो पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए और उस व्यवस्था में लगनी चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि केंद्र सरकार को भी इसकी व्यवस्था देखनी चाहिए और इसकी इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार को भी लेना चाहिए, इसलिए कि राज्य सरकार उससे डायरेक्ट जुड़ी रहती है। बिल्कुल। और ये 2-2 लाख का मुआवजा दे देने से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कारण, नहीं लेने के कारण होता क्या, आपने कहा कि इंक्वायरी हो जाएगी, और इंक्वायरी होके रिजल्ट आएगा और बात समाप्त हो जाएगी। आप 2-2 लाख मुआवजा दे दिए, बात समाप्त हो गई। गरीब बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और रिजल्ट आएगा ही नहीं। बात सही है, रिजल्ट आएगा ही नहीं। बिल्कुल। आरा से हमारे साथ सुरेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आर्यन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, काफी हिला देने वाली तस्वीर है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वाकई में बच्चों को या बच्चों को लेकर सरकार गंभीर है? हाँ जी सर, प्रोग्राम जो है सर बहुत गलत है। मतलब खाना देना के मैंने बहुत गंदा व्यवस्था है जी। बच्चों अपने घर से, माँ बाप के घर से भी पढ़ने जा सकती है जी। और सर ये सब जो बच्चों मर रहा है, देश का भविष्य बिगड़ रहा है। देश का भविष्य बिगड़ रहा है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, विनोद जी, ये वाकई में देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप तमाम दर्शक को आप सुन रहे हैं, क्या इसके, ठीक है आपने प्लान लाया, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो लगातार रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट निगेटिव जा रहे हैं। ठीक है कुछ पॉजिटिव है, कुछ बच्चे जा भी रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ने कम जा रहे हैं, खाना पर ज्यादा ध्यान रहता है। आप लोग जनता से सीधा जुड़े हुए हैं, रामानुज जी आप सब लोग, तो क्या इस स्थिति में एक समीक्षा करने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए निश्चित रूप से योजनाएं आती हैं और उस पर समीक्षा भी होती है समय समय पर, और निश्चित रूप से जिस मकसद से लाया वो मकसद पूरा नहीं होता दिख रहा है, निश्चित रूप से हम भी इसको मानते हैं।
केंद्र सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसका माध्यम राज्य सरकारें होती है, नोडल एजेंसी वही होता है, केंद्र सरकार उन पर छोड़ देती है कि आप इसको चलाओ, आप इसका देखभाल करो। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार जो बार बार घटनाएं घट रही, एक बार नहीं बार बार इस तरह की घटनाएं घट रही, केंद्र भी चिंतित है, उसने गाइडलाइन भी दे रखा है, उसने दिया है कि सभी जो भी मिड डे मील बन रहा है, जो संस्थाएं हैं जो आम जनता के लिए काम करती हैं, उनके माध्यम से आप खाना बनवाएं, उनके माध्यम से वितरण करवावे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, शहरों में उसके दबाव के बाद कुछ जगह पर शहरों में दिए गए हैं संस्थाओं के वो काम, तो शहरों में मिला जुला के अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर स्कूल के हेडमास्टर और उन्हीं के कर्मचारियों और बीडीओ सीओ के देखरेख में काम चल रहा है। नहीं, इसमें कहा जाता है कोई संस्था को दे दिया जाता है। जी जी हाँ, जो शहरों में केवल शहरों में दिया गया है, गांव में नहीं दिया गया है। एनजीओ को गाइडलाइन दिया गया है कि आप एनजीओ के माध्यम से करवाइए, क्योंकि वही काम उनका है, वो समाज सेवा के लिए आते हैं, चाहे उसी तरह का काम करना चाहते हैं। लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं हुआ है, गांव देहात में अधिकांश जो भी सेंटर चल रहे हैं स्कूल के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, और गड़बड़ियां वहीं पाई जाए, अभी तक जितनी गड़बड़ी पाई एनजीओ के माध्यम से नहीं पाए गए हैं। जो भी शिक्षक के माध्यम से, वहां प्रिंसिपल के माध्यम और जो भी माथा पदाधिकारी है, वो लोग जहां वहां पर भारी नालंदा से जो खबरें आई उसमें एनजीओ का सीधा सीधा मामला था। मैं बताता हूँ कि विनोद भाई को शायद ये होगा, इनके ये करें। देखिए गाइडलाइन और मैंने एम एंड ऑब्जेक्ट में कहा कि हाँ साहब, एम एंड ऑब्जेक्ट बनाने के समय ये था, लेकिन केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है कि जो जहाँ अभी मालिक आया, जय राम रमेश बोल गया कि मनरेगा जो है बलेरो पजेरो स्कॉर्पियो का आइटम हो गया है, तो उसी तरह से ये भी जो आइटम है जो सब शिक्षा अभियान के तहत चलने वाली जो इतनी धनराशि खर्च हम कर रहे हैं, जितने मिड डे मील पर हम खर्च कर रहे हैं, तो जिस सरकार की ये बात ठीक है कि केंद्र सरकार योजना बनाती है, राज्यों को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी या नोडल एजेंसी और राज्य को मॉनिटर करना है, क्योंकि वहाँ वही राज्य सरकारें लौटती है। जितनी स्कीम्स है, सब शिक्षा अभियान स्कूल हम बना रहे हैं, मिड डे मील हम दे रहे हैं, जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकारों की है। हाँ, केंद्र को भी हम कहेंगे कि केंद्र की ये योजना है आप बना रहे हैं, तो सिर्फ आप इस बना करके राष्ट्र का संपत्ति जया मत करिए, इसको देखने का मॉनिटरिंग करने की आपकी जिम्मेवारी है। और ये कोई घर से कोई पैसा हम नहीं देते, देश के जनता की खजाना से देते हैं। और इसका एम ऑब्जेक्ट हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि साहब जिस उद्देश्य से था, आज सरकारी स्कूल की जो हालात है, जिस तरह के शिक्षक बहाल किए गए हैं, जिस तरह से ये हो रहा है, अभी इस पर हम आगे बोलेंगे। हाँ, लेकिन अभी बोलना चाहिए, आप चर्चा करवाइए ना भैया, आप बोलवाइएगा तो लोग तो आक्रोश व्यक्त करेंगे। ये इसको है कि साहब ये ठेकेदारी दिया जा रहा है, हमारे यहाँ ये घटना हमारे जिला की घटना है और पहले भी घटी है, और नया गांव के स्कूल में हमारे जिला में हमारे विधानसभा क्षेत्र में नया गांव है, वहां के तीन तीन स्कूल में हुआ जी। मैं विधायक हुआ करता और हमने जो देखा, हमको जो झेलना पड़ा कि साहब ये इसमें इतने कस के ठेकेदारी हो रही है, और ठेकेदारी देने में सरकार के जो हेंचमैन हैं, सरकार के जो लोग हैं वो लोग हैं, और बना करके एक सेंट्रल पॉइंट से और सप्लाई होता है, इसके लिए प्लानिंग है। और जो योजना में जो गाइडलाइन है कि साहब जो लाभार्थी विद्यालय के लाभार्थी जो अभिभावक वर्ग हैं, उनके विभाग उनके बीच से शिक्षा समिति का चुनाव होगा, और शिक्षा समिति में जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फीडर एरिया है उसके बच्चे के अभिभावक के बीच से एक उसके अध्यक्ष होंगे, एक सचिव होंगे, स्कूल से हेडमास्टर होंगे, सब मिल करके करेंगे, एनजीओ सप्लाई करेंगे। इसका है कि प्रतिदिन चेक करना है, इसमें और कमीशन का भी खेल चलता है। अरे पूरे कमीशन का खेल है, मार होता है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे हम नाम के नेमली बता रहे हैं कि एक शिक्षा समिति के चुनाव में हमारे यहाँ मर्डर हो गया, सोनपुर की बात करते हैं, वो चौसिया पंचायत में, वहाँ पंचायत समिति का इसी स्कूल के मिड डे मील के लिए इतने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, इसमें लूट मचा हुआ है। और जो एम ऑब्जेक्ट था, जो उद्देश्य थे इससे कि हाँ साहब बच्चों को ड्रॉप आउट को रोकना, लोगों को जोड़ना, तो जोड़ना तो हुआ है, लेकिन सरकारी विद्यालय से पढ़ करके जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जो धन जाया किया जा रहा है, एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाया जाए, स्कूल पढ़ने लायक बनाया जाए, उसे गरीब के बच्चे पढ़ करके दुनिया जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एरा है, ज्ञान पर आधारित अर्थशास्त्र के युग में हम जी रहे हैं, उससे पढ़े हुए बच्चे निकल करके इस दुनिया के दौर में, इस दुनिया के प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं टिकेंगे, प्लेट लेकर के इसी तरह से मरते रहेंगे। चलिए इसी तरह से मरते रहेंगे। हमारे साथ रांची से एक कॉलर है, राजेश प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश प्रधान जी, आप अपनी राय रखें। हाँ जी, इतनी हृदय विदारक घटना है जी कि जो मैं एक फिल्म निर्देशक हूँ और फिल्मों में दिखाता हूँ कि इस टाइप की घटनाएं होती हैं, उस टाइप के आदमी का दिल आज अभी रुलाई आ रही है मुझे जी।
और बड़ा विचित्र लग रहा है जो नेता लोग जो हैं जी हेलो जी 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 आपकी आवाज आ रही है, जो हैं इस तरह की अपना व्यूज दे रहे हैं कि अभी मैंने आरजेडी के किसी नेता का एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि 11 बच्चे मारे जा चुके हैं और संख्या बढ़ने की उम्मीद है जी। इस तरह के स्टेटमेंट सरकार पक्ष बोलेगी कि साहब मैं मुआवजा दे दिया उससे उनकी छुट्टी हो गई, विपक्ष बोलेगा कि मुझे जितने लोग हैं मुख्यमंत्री या जो इन्वॉल्व लोग हैं वो लोग इस्तीफा दें, बस इसी सब काम खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर जो नेताओं को बिठाते हैं उसके बदले किसी दर्शक को बिठाइए जो कि एक्चुअल आपको रिएक्शन देगा, ये लोग सब लीपापोती करते रहेंगे। राजेश जी आप अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हमको फोन कर रहे हैं, उनकी राय आ रही है, इसीलिए तो हमने फोन कॉल खोला है। चलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक सही बात रखी और अपनी राय आपने रखी, आप सब अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे।